أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो लेक्चर है वो ज़रा मुख्तलिफ है और आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का लेक्चर किस ये एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था. हम देखते हैं कि बहुत से कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा होता, और ये मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं ओ लेवल्स के होते हैं, नए नए ओ लेवल्स में आए होते हैं. पेपर पैटर्न इनके लिए नया होता है क्योंकि पहले ग्रेड 6 7 8 में जो जब होते हैं तब ये वाला पेपर पैटर्न नहीं होता, तो इनके लिए पेपर पैटर्न बिल्कुल नया होता है, सिस्टम भी थोड़ा नया होता है, तो इनको प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में. सो दिस इज अ वीडियो जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम जो प्रॉब्लम्स हैं पेपर के वो हम डिस्कस करेंगे इनशाला. सो मैंने एक पेपर जो है वो निकाला है. ये पेपर जैसा कि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ये केमिस्ट्री का पेपर है और ये ए लेवल्स का पेपर है, ठीक है. दिस इज ए लेवल्स पेपर और इसमें हम ए लेवल्स का पेपर पैटर्न और ओ लेवल्स का पेपर पैटर्न सेम ही होता है तकरीबन, लेकिन ऑफ कोर्स सिलेबस डिफरेंट होता है और वो चीजें, बट फिलहाल दैट डजंट मैटर. ये ओ लेवल्स वाले भी ये वीडियो देख के इससे फायदा हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. सो जब आपके सामने पेपर आता है, ठीक है, ये आपके सामने पेपर आ गए, ठीक है, आपको बड़ी गूस बम्स हो जाते हैं, ठीक है, कांपे टांग जाती हैं, ठीक है, पेपर देख के. ये फैक्ट्स हैं, ये कोई मैं वैसे ही नहीं कह रहा, ये हमेशा यही होता है. आपने जितनी मर्जी तैयारी की हो, मेरे साथ ये होता था, जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो पेपर देख के काम पे टांग जाती है, ठीक है. सो ये आपके सामने पेपर आता है, आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास जी के ये पेपर किस चीज का है, केमिस्ट्री का है, पेपर 1 मल्टीपल चॉइस, ठीक है. यहाँ पे इस पेपर का कोड लिखा हुआ था और यहाँ पर वेरिएंट लिखा हुआ था, ठीक है. आप देखते हो कि 9701/12 ये जो है ये पेपर कोड है और ये जो है ये वेरियंट, और ये वेरिएंट कैसे डिसाइड होता है, ये पहला जो नंबर होता है ये पेपर नंबर होता है कि पेपर 1, देखो पेपर 1, और ये जो 2 है ये कंट्री कोड होता है, यानी कि ये 2 है तो 2 इज मीन हम जोन 2 में है. पाकिस्तान जो है जहां पर हम बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, वो जोन 2 है, ठीक है. पाकिस्तान जोन 2 है तो यहाँ पे 2 होगा. जोन 1 का पेपर लगा लो तो ये 9701/11 होगा, जोन 3 का लगा लो 13 हो जाएगा, ठीक है. सो अच्छा, उसके बाद आप ये देखते हो कि यू मस्ट आंसर ऑन द मल्टीपल चॉइस आंसर शीट, ठीक है. आपको एक सेपरेट मल्टीपल चॉइस आंसर शीट मिलती है एमसीक्यू सॉल्व, ये पेपर 1 है, एमसीक्यू का पेपर है, ठीक है. आपने जो है आंसर उसमें लिखने होंगे, स्कैन भी वही होती है और चेक होने भी वही जाती है. आपकी ये पेपर जो आपको ये वाला मिलता है क्वेश्चन पेपर, ये नहीं जाता, ये चेक नहीं होता, ये सिर्फ इस पर आप वर्किंग करते हो, अपनी रफ वर्किंग क्वेश्चन लिखे हुए होती हैं. चेक जो है वो आपकी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट होती है. तो इसलिए पहली टिप ये है एमसीक्यू के पेपर में कि अपनी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट में आंसर जो है वो क्लियर और एक दफा लिखें, ठीक है. आपके पास पेंसिल से करनी होती है तो आपके पास इरेज करने की ऑप्शन होती है, लेकिन अगर आप बहुत एक दफा आप ऐसे ऐसे आपने किया है, उसमें बेसिकली डब्बे बने हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, उसमें आपने बताना होता है कि ये ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है. तो आप अगर बहुत दफा ऐसे 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 कर दो ना, फिर आप इरेज करो, फिर आप दोबारा करो, फिर आप यहाँ पे करो, तो वो जब स्कैन शैन होती है तो वो बहुत गंद मच जाता है उसमें. तो आप एक ही दफा जो है वो हतमी फैसला करके आंसर लिखें, ठीक है. अच्छा, इसका हतमी फैसला आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखें आपके पास ये 20 पेजेस हैं इस क्वेश्चन पेपर में और इसमें ब्लैंक पेजेस भी होंगे, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो सारी वर्किंग आप इस पर करें. आप एक आंसर जब आपका निकल आए, आप उस आंसर देखें एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन है और उधर जाके आंसर शीट पर कर दें. मैं खुद जब पेपर देता था तो मैं क्या करता था कि मैं इस पेपर में सबसे पहले सारा जो पेपर था, सारे आंसर, सारी वर्किंग इस पर करता था, आंसर इस पर मार्क करता जाता था. एंड पर जब बिल्कुल आखिरी 10 मिनट रह जाते थे तो उसमें आप जल्दी जल्दी जो है वो कॉपी कर, ठीक है.
बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं साथ ही कॉपी करते हैं। चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन मैं कहता हूँ आप पहले यहाँ पे सॉल्व करें, एक दफा दोबारा देखें, रीचेक कर लें एक और दफा कि भाई हाँ ये ठीक मैंने लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, और उसके बाद जो है वो फाइनली एंड में आंसर शीट पर जो है वो कॉपी करें आंसर। ठीक है, तो ये आपका पेपर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने दे दी, और आंसर कैसे लिखना है एमसीक्यू में वो भी बता दिया। हम आगे आते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास कुछ आती हैं। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, हम बहुत से होते हैं बच्चे वो कहते हैं यार गोली मारो इंस्ट्रक्शंस कौन पढ़े, लेकिन आपको ये पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि एमसीक्यू का पेपर है 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सब आपने आंसर करने होते हैं, ए बी सी डी ऑप्शंस होती हैं, वो ली चूज करें जो आपको लगता है ठीक है, और मल्टीपल चॉइस आंसर शीट में उसको लिखने, फॉलो द इंस्ट्रक्शन मल्टीपल चॉइस आंसर, सॉफ्ट पेंसिल में आपने लिखना होता है मल्टीपल चॉइस आंसर शीट, राइट योर नेम सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर, आपने अपना नाम, अब इस शीट में आप कहाँ नाम कहाँ लिखेंगे, इस शीट में तो आप थ्योरी वाले पेपर में तो आपके पास ये डब्बा होता है, अब आप थ्योरी वाले में डब्बा होता है, ठीक है इसमें डब्बा नहीं है, तो अब आप नाम कहाँ लिखेंगे, आप जो है वो अपना नाम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं नेम, सॉरी नेम, और आप अपना सेंटर नंबर लिखें और कैंडिडेट नंबर लिखें, ठीक है यहाँ पे लिखें, या आप ये कर सकते हैं कि आप अपना नाम यहाँ पे लिखें नेम, फिर यहाँ पे लिखें कैंड सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर यहाँ पे, ठीक है ऐसा भी आप कर सकते अपनी चॉइस, लेकिन नाम सेंटर नंबर कैंडिडेट नंबर जितना भी आप मटेरियल जो है वो आपको मिला है और जितना भी मटेरियल जो है वो आपने यूज किया है उस पर अपना नाम कैंडिडेट नंबर सेंटर नंबर लाजमी लिखें। ठीक है, नाम आप अपना लिख देंगे ना खाली, तो आगे जब हो जाएगा वहां पे लाखों पेपर पड़े हुए हैं वो आपका पेपर नहीं है, आसानी से ढूंढे सेंटर नंबर कैंडिडेट नंबर से जो है उनको अंदाजा। करेक्शन फ्लूइड्स नहीं इस्तेमाल करने, बार कोड्स पर नहीं लिखना, बार कोड ये है, ये बार कोड है, इस पे आपने कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, कैलकुलेटर इस्तेमाल, 40 MCQs हैं तो 40 मार्क्स हैं इस पेपर के। ठीक है, ईच करेक्ट आंसर विल स्कोर 1 मार्क, जो भी रफ वर्किंग है उसमें करें, पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको दिया होगा, और इंपॉर्टेंट वैल्यूज कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड्स आर प्रिंटेड इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अच्छा दे आर 20, दिस डॉक्यूमेंट हैज 20 पेजेस, एनी ब्लैंक पेजेस आर इंडिकेटेड। ठीक है, ये आप देखें कि आप ये आपके पास पहला जो है वो क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है आप देखें कि यार आपके पास ये सारी जगह मौजूद है, ये सारी मौजूद है, आप इसमें से आंसर चूज करें और आंसर जो है वो कर दें जो भी आंसर है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये अब यहाँ पे ट्रिक आती है कि ये देख रहे हैं 1 जहाँ पे लिखा है, ये 2 देख रहे हैं, मार्जिन्स में यहाँ पे नहीं लिखना, और इसमें भी तकरीबन यहाँ तक यहाँ पे ना नहीं लिखना, नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि स्कैन होता है, तो जब स्कैन होता है ये वाले मार्जिन जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो एक वो कॉलम दिया हुआ है जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इस 2 से कोशिश करें, अगर आप देखें लिख रहे हैं ना यहाँ पे आप लिखा 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 लिखा, यहाँ से ना लिखना शुरू करें, इस 2 के अंदर अंदर है। ठीक है, ये इस कॉलम के अंदर अंदर रहना है तो सारे पेपर में। ठीक है, यहाँ पे बाहर लिखोगे स्कैन होगा ये नहीं आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने लिखी होगी और आगे लिखा होगा एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, एग्जामिनर एमी आपको मसला हो जाएगा। एमसीक्यू के पेपर में हमेशा एग्जामिनर सिर्फ आंसर देखता है, वर्किंग नहीं देखता, एग्जामिनर डजंट केयर कि आपकी वर्किंग क्या है, मैं आप एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एग्जामिनर कभी जो है वो वर्किंग नहीं देखता, उसने देखना है कि आपने आंसर क्या लिखा है, आपने आंसर ए लिखा है, मार्क्सिन आंसर ए है ठीक है, ठीक है तो आपने जो है वो ऐसे करना है। इसी तरह ये आगे आप देखेंगे काफी एमसीक्यूज हैं, पेपर तो हम सॉल्व नहीं कर रहे ना, हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपने यहाँ पर बस सब कुछ सॉल्व करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगे कि स्पेस कम है, जैसे इसमें आपके पास वर्किंग की स्पेस नहीं है, तो इस इनके लिए आपके पास जो है वो आपके पास
ये देखें, ये सारी स्पेस मौजूद है इससे नीचे, ये सारी स्पेस मौजूद, ये ब्लैंक पेज गिवन, ये एक और ब्लैंक पेज। तो जहां आपको लगता है कि स्पेस कम है, इन ब्लैंक पेजेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इन ब्लैंक पेजेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं कभी कभी जिनमें ब्लैंक पेजेस सारे के सारे यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक पेजेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पेपर के एंड में इंपॉर्टेंट वैल्यूज, कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड आ जाते हैं। आपके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि आपको आप आती हैं। और यहाँ पे एंड में पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, ये एमसीक्यू का पेपर होता है। ये पहले, ये जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड से, ये पहले पेपर में साथ नहीं आते थे, ये अलग से डेटा बुकलेट मिलती थी, तो उसमें जो है वो आप उधर से देख लेते थे। अब जो है उन्होंने क्या किया है कि अब साथ ही उन्होंने ये पेस्ट कर दिए जरूरी चीजें ए एस के लिए, और ए टू के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ए टू वाले पेपर में डाल दी, ठीक है। ये है आपके पास जो अगला पेपर आता है वो थ्योरी का पेपर आता है। अब यहाँ पे आपके पास कैंडिडेट नेम की जगह है। अब यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, और नेम लिखना है इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स कौन सी होती है, जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, खाली नेम। ऐसे सेंटेंस केस में भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप ब्लॉक लेटर, सेंटर नंबर लिखना है, जो भी आपका सेंटर नंबर है, जैसे PK001, ठीक है, कैंडिडेट नंबर जो आपका है 001, जो जो भी आपका है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। उसी तरह आप देखें कि ये आपके पास पेपर टू है, ए एस लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, थ्योरी नहीं कहते, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। ये 97012 2। अब पहले देखें, वो 1 2 था, पेपर 1 था, पेपर 2 आया तो ये 2 हो गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है कि इतना टाइम है आपने पेपर, इस टाइम में यू मस्ट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर, नो एडिशनल मटीरियल्स आर नीडेड, ठीक है। इस पेपर में भी तकरीबन आपके पास वही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपने सब क्वेश्चंस आंसर करने हैं। डू नॉट यूज एन इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड, डू नॉट राइट ऑन एनी बार कोड्स, यू शुड शो ऑल योर वर्किंग एंड यूज अप्रोप्रिएट यूनिट्स, यू मे यूज अ कैलकुलेटर, राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। टोटल मार्क्स 60 हैं, जो टोटल मार्क क्वेश्चन के हैं वो आखिर में ब्रैकेट में शो होंगे, पीरियोडिक टेबल प्रिंटेड, ठीक है। ये जिस डॉक्यूमेंट है 16 पेजेस, एनी ब्लैंक पेजेस आर इंडिकेटेड। ये देखिए आपके पास अब क्वेश्चन आता है, तो अब आपने इसमें जो है वो क्वेश्चन इन्हीं लाइंस के अंदर अंदर आंसर करना होता है, ठीक है। आप लिखते हो, यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, टिक 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 टिक, यहाँ पे फिर यहाँ से आ जाओ, टिक 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 टिक, बार यहाँ पे आपने खत्म करना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जगह कम होगी, आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, लेकिन देख के लिखो कि यहाँ पे खिचड़ी ना पके, गंद ना पके। लेकिन आपने कभी भी इन मार्जिन से बाहर नहीं जाना, ठीक है, ये मार्जिन, इन मार्जिन से बाहर नहीं जाना, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आप डब्बों में जो भी जवाब है वो लिखोगे, और इसी तरह यहाँ पे सारा कुछ लिखोगे। यहाँ पे सारी, देखो आपके पास जो है वो इतनी जगह है वर्किंग के लिए, ठीक है। अब इधर मैं आपको एक बात बता दूँ और गौर से सुनिएगा, आप यहाँ पे सब कुछ जो है वो अपनी वर्किंग शर्किंग करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने अपनी वर्किंग की, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक आंसर लिख दिया, ठीक है, कि इतने किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी फॉर्मेशन mg3, आपने यहाँ पे आंसर लिखा, यहाँ पे आपने आंसर लिखा ही नहीं, तो आपका जो आंसर है ना वो काउंट होगा जो आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ वाला नहीं काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, मार्किंग यहाँ से हो, यहाँ पे नहीं लिखा ना, तो आपको वर्किंग के आंसर मार्क्स शायद 3 है तो 2 मिल जाए, लेकिन आंसर यहाँ पे नहीं आया ना, तो आपको 1 मार्क जो है वो उसका कट जाए, ठीक है। तो आंसर हमेशा जो है वो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे वो है कि आपने नीचे जो है वो इस मार्जिन से नीचे नहीं जाना, इससे भी नहीं है, मैं थोड़ा सा और नीचे चला गया, इससे, ये टोटल लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है, बस इससे नीचे जो है वो सख्ती से
मना है। ठीक है, इससे नीचे नहीं लग। अच्छा जी, ये देखें, अब ये आपके पास क्वेश्चन टू स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो ये भी आपके पास एक किस्म का ब्लैंक पेज मौजूद है, ठीक है, इस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ जाता है, सेम आपने जो है वो इसमें करना होता है, और इसी तरह आपने इसमें जैसे पहले क्वेश्चन बताया वैसे ही आपने वो है। देखें अब यहाँ पे, यहाँ से लेके देखें आपके पास ये सारी जगह मौजूद है राफ्टर के लिए, ठीक है, ये सब जगह मौजूद है आपके पास राफ्टर के लिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, ये देखिए अभी डब्बा मैंने बनाया, आपने इसके अंदर रहना है, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए इसके अंदर रह के काम करना है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर रह के आप काम करना, इसके अंदर रह के काम करना, ठीक है, इसके अंदर रह के काम करना, ये इसी तरह इसके अंदर। यहाँ पे देखिए इसने कहा कि यार आपने आइसोमर बनाने हैं, ठीक है, दो तो आप इन्हें इन डब्बों के अंदर ही आइसोमर बनानी है, जो डब्बे बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें आपने नेम जो है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी करना है। इसी तरह अगला आपके पास जो है वो आता रहता है, इसी तरह क्वेश्चन आता रहा आता रहा आता रहा। अभी ये देखिए यहाँ पे जो है वो पेपर जो है वो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ये पेपर यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन अब आपके पास ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक पेज दे दिया और नीचे इन्होंने ये चीज दो चीज दे दी, ठीक है। तो आप देखिए आप जब ब्लैंक पेज पर काम करेंगे तब भी आपने इसी मार्जिन के अंदर रहना, ये ना हो कि ब्लैंक पेजेस में चीजें बाहर जा रही, ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर हम मैंने एक वीडियो लेक्चर तो नहीं है, घर बैठ के मैंने वीडियो रिकॉर्ड की कि उन लोगों के लिए कि देखें आप पेपर जो है वो हमें बहुत सारे आते हैं पीछे से के बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना, तो बेटा देखें ये बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो 8, 7, 8 में ओ लेवल्स में आते हैं, तब उनको नहीं पता होता कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। हालांकि हर स्कूल हर टीचर पहले दिन बताता है कि आपका पेपर पैटर्न ये है, आपने ऐसे ऐसे करना है, इससे नीचे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं लिखना, वहां पे नहीं लिखना, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको नहीं समझ आती और उनको नहीं पता लगता कि क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ए लेवल्स की बात करें तो ए लेवल्स में आते हैं मैट्रिक के बाद, तो मैट्रिक में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, मैट्रिक में तो एक क्वेश्चन होता है उसके 10 मार्क्स होते हैं, आप जो है वो लंबा सा आप आंसर लिखते हैं, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाए, बड़ा सा टिक बनाता है, 10 आउट ऑफ 10 दे देता है, तो उसमें सिस्टम अलग है, इसमें सिस्टम जो है वो अलग है। सो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो काफी फायदेमंद होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते के लिए हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे हमें इंस्टाग्राम पर आप प्लीज फॉलो भी करें, और अगर आपको कुछ और पेपर के लिहाज पेपर के लिए पेपर के मुताबिक कोई और प्रॉब्लम्स हैं या कोई और क्वेरीज हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर हमें जो है वो डीएम भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्दोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह।